फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी संस्था जब तैयार करती है तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताना, दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग, वेदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट्स और इट इज इनकरिंग लॉसेज। क्या संस्था प्रॉफिट कमा रही है या संस्था लॉसेज में चल रही है। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि संस्था की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, मींस कितने एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास और कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं। मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादातर जो संस्थाएं बनाती हैं वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसी के दो हिस्से रहते हैं। पहला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हिस्सा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं तो ये उसका भी हिस्सा रहता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोल दिया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है। दरअसल एक ही अकाउंट में जो पहला हिस्सा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है और दूसरा हिस्सा पी एंड एल का हो जाता है। जैसे मान लो कि हम ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक और टू परचेजेज और इधर लिख देते हैं सेल्स, तो हमारे पास जो निकल करके आ जाएगा वो यहाँ पे टोटल कर देंगे दोनों साइड्स का। इसका तरीका भी बताएंगे कुछ देर में, खाली यहाँ पे एक इसका फॉर्मेट दिखाना चाह रहे हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा जितनी भी हमारी सेल होगी इसका टोटल यहाँ हो जाएगा और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा और उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं और अब ये जो नीचे आ गया ये दूसरा पार्ट हो जाता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ प्लेस हो जाएगा, इसके बाद जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं वो यहाँ लिख जाती हैं क्रेडिट साइड में और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ लिख जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास फिर से नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ सेकेंड वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रॉस प्रॉफिट अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, तब इस साइड में रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये दूसरे वाला हिस्सा, ये हमको या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस बताता है। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं रहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा पी एंड एल में अभी जब हम दिखा रहे थे तो पी एंड एल में क्या रहता है, डेबिट और क्रेडिट रहते हैं क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं पी एंड एल में और क्रेडिट साइड जो इनकम्स होती हैं वो लिखे जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल इस पे एप्लीकेबल होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो यहाँ डेबिट में आ जाते हैं और जितनी भी इनकम्स हैं वो यहाँ क्रेडिट में आ जाती हैं। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स दिखाई जाती हैं। राइट हैंड साइड में एसेट्स रहती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज रहती हैं। ये दरअसल ये आपको ये कहे कि ऐसा क्यों होता है, लाइबिलिटी और एसेट को क्यों रखते हैं हम इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसका कारण केवल कस्टमरी है। हम जो अपनाते हैं तरीका अकाउंटिंग में वो ब्रिटिश अप्रोच को फॉलो करते हैं। ब्रिटिश अप्रोच में लाइबिलिटीज और एसेट्स इस तरीके से रहते हैं, लेकिन अमेरिकन अप्रोच में ये एसेट्स इधर रहते हैं और लाइबिलिटीज इस साइड में रहते हैं, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार एक तो कब किया जाता है, तो इनको तैयार किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड किसी संस्था का समाप्त होता है जनरली उस समय पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। और यही कारण है क्योंकि इनको फाइनली बनाया जाता है, यही कारण है कि इनको फाइनल अकाउंट्स भी बोल दिया जाता है।
क्योंकि संस्था की जो फाइनल परफॉर्मेंस है उसको ये दिखाते हैं, इसलिए इनको फाइनल अकाउंट भी बोल देते हैं। अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल अकाउंट हम तभी बनाएं, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है और मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होती है, काफी फास्ट रहती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और जब चाहे आप अपने अकाउंट्स को फाइनली देख सकते हैं। सारा काम ऑटोमेटिक रहता है, केवल जर्नल की जो वाउचर्स रहते हैं केवल वो बनाए जाते हैं, बाकी सारी एंट्रीज उसमें स्वयं हो जाती हैं। वाउचर्स करने से लेजर में स्वयं पहुंच जाता है, ट्रायल बैलेंस स्वयं बन जाता है, पी एंड एल और बैलेंस शीट तक स्वयं ऑटोमेशन प्रोसेस होती है, उससे अपने आप ये सब तैयार होते रहते हैं। लेकिन एक अकाउंट्स के नॉलेज रखने वाले को इन सब चीजों की जानकारी बेसिक होनी चाहिए, इसलिए ये सब उसको जानने जरूरी होते हैं। अब जो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि एट द एंड, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आज की डेट में तो संस्थाएं क्वार्टरली अकाउंट बनाती हैं, हर 3 महीने बाद आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आते रहते हैं हर 3 महीने बाद। तो इस तरीके से जनरली, लेकिन फिर भी हम कहेंगे सालाना बनते हैं, और ये बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, यानी कि कोई संस्था जितने भी अपने लेजर में अकाउंट बनाती है, चाहे वो अकाउंट रियल अकाउंट है, चाहे नॉमिनल अकाउंट है, चाहे पर्सनल अकाउंट है, और अगर मॉडर्न अप्रोच में मैं बोलूँ तो चाहे वो अकाउंट आपके एसेट अकाउंट है, चाहे एसेट अकाउंट है, चाहे वो एक्सपेंसेस अकाउंट है, चाहे वो लाइबिलिटीज अकाउंट है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट है, और चाहे वो आपके रेवेन्यू अकाउंट हैं। ये मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 तरीके से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चाहे जैसे भी अकाउंट हैं, ये सब ट्रायल बैलेंस में हमको एक पेज पे एक जगह दिख जाते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस में उन सबके बैलेंस लिखे रहते हैं। तो इनके बैलेंसेज की मदद से हम आसानी से अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, उन सबको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और इस तरीके से वो क्लोज भी हो जाते हैं जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहते हैं। इसके अलावा रियल और पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं, ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं। जब आप कभी इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो ये आइटम को ले जाने में काफी आसानी रहेगी, इवन इनके बनाने में भी काफी मदद मिलती है। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें, सारे नॉमिनल अकाउंट जितने भी ट्रायल बैलेंस में आपको देखें वो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाएंगे, और जितने भी रियल या पर्सनल अकाउंट देखेंगे वो सारे के सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू एक कॉन्सेप्ट होता है दरअसल, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड। कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कैपिटल रिसीप्ट भी हो सकती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट भी हो सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या रहता है? इनका इम्पोर्टेंस रहता है कि जो रेवेन्यू आइटम होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो और चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, वो सभी ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। दरअसल रेवेन्यू आइटम वही रहते हैं जो नॉमिनल अकाउंट रहते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट रहते हैं। दूसरा, जो कैपिटल आइटम्स रहते हैं वो सब बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल आइटम कौन से रहते हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिसीप्ट भी हो सकती हैं और कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकते हैं। कैपिटल आइटम वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है, रेवेन्यू आइटम वो रहते हैं जिनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन जानने बहुत जरूरी रहते हैं इन अकाउंट्स को तैयार करते समय। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दरअसल एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, हम एक्सपेंडिचर को लार्जर कॉन्सेप्ट में देखते हैं। एक्सपेंडिचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, और ये एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है। ज्यादातर जब हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंसेस वर्ड का, एक्सपेंस वर्ड का जब हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपेंस से हमारा मतलब ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंस से ही होता है, और ये कैपिटल ये जो एक्सपेंडिचर है इसके अंदर ही ये भी आ जाता है, क्योंकि ये एक लार्जर टर्म है। मनी स्पेंट जो किया जाता है, एक्सपेंडिचर कह तो कहते किसको हैं, जितना भी मनी स्पेंट करते हैं हम इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स, वट एवर द अमाउंट वी स्पेंट इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब जो हमने खर्च किया है पैसा, मनी स्पेंट किया है, उसका जो बेनिफिट है अगर वो हमें कई साल तक मिलेगा, इफ द बेनिफिट एक्सटेंड अप टू सॉरी वन अकाउंटिंग ईयर, अगर एक साल तक मिलेगा तो ऐसे केस में ये जो एक्सपेंडिचर होगा
यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको ये खाली केवल ये कह रहा है कि बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो 1 साल तक का भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर मे बी ओनली अप टू 1 ईयर और मे बी मोर देन 1 ईयर। अगर मान लो हमने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग पे अगर हमने मनी एक्सपेंड कर दिया तो बिल्डिंग कई साल तक हम इस्तेमाल करेंगे, उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। लेकिन अगर हमने कोई नॉर्मल रिपेयर कराई बिल्डिंग की, या हमने कोई वेजेज की पेमेंट की, या हमने कोई स्टेशनरी परचेज की, तो उसका बेनिफिट हमें कम समय तक मिलेगा। अकॉर्डिंगली हम उनको डिवाइड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बेनिफिट किसी एक्सपेंडिचर का अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, यानी कि केवल 1 साल तक ही मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, डिस्काउंट देना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं। आप जानते हैं कि अगर सैलरी हम किसी को देंगे तो सैलरी हम जब देंगे वो जिस करंट ईयर में दी जाएगी सैलरी उसी ईयर में वो पर्सन हमारे लिए काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। इसलिए सैलरी या जितने भी खर्चे हैं इनका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर जाता है, इसलिए हम इनको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है इसलिए ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। इसके बाद है अगर एक्सपेंडिचर जो हमने किया है, खर्च किया है, उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है, 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए मिल रहा है उसका बेनिफिट हमको, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फर्नीचर को परचेज करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना अपने यहाँ पे, या किसी फिक्स्ड असेट का एक्सटेंशन कराना, बढ़ाना। पहले से बिल्डिंग है, हमने उसमें एक रूम और बनवा दिया, एक फ्लोर और बनवा दिया, एक्सटेंड करा दिया। या एक्वायरिंग पेटेंट्स, कोई पेटेंट कॉपीराइट हमने एक्वायर किए, तो क्योंकि सीधी सी पहचान यहां से किसकी है, इनकी पहचान ये है कि अगर उनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और ये एसेट के रूप में क्रिएट हो जाते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनका जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसी को दरअसल हम एसेट बोल देते हैं। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक बेस के आधार पे इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इनके जितने भी बेस हैं इनको आइडेंटिफाई करने को उन सबको समझना जरूरी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो इंक्रीज करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। जैसे आपके पास एक मशीन है, आपने एक मशीन और खरीद ली तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आप डबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप मशीन की केवल रिपेयर करा रहे हैं तो आप मशीन की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं केवल, क्योंकि मशीन की रिपेयर नहीं कराएंगे तो उसकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनका, जैसे एक्वायर फिक्स्ड असेट फॉर ऑपरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए की जाते हैं ताकि हमको अपने ऑपरेशंस के लिए फिक्स्ड असेट मिल जाए, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं डे टू डे के कंडक्ट करने के लिए बिजनेस का। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होते हैं बाई नेचर के, यानी कि ये रोज रोज नहीं करने पड़ते हैं। आपने एक बार बिल्डिंग बना ली, काफी समय तक चलेगी, एक बार मशीन खरीद ली, काफी समय तक रहेगी। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये नेचर से रिकरिंग होते हैं, मतलब बार बार होते हैं। आपने सैलरी दी, अगले महीने फिर दोगे, अगले महीने फिर दोगे। बेनिफिट्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर ही समाप्त हो जाता है। रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, और बैलेंस शीट में इनको रिकॉर्ड करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसके बाद ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में चले जाते हैं पूरे के पूरे। अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मैंने बताया एक ही अकाउंट होता है, उसके दो हिस्से हैं। अगर जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे, डायरेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट कौन सा नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट नहीं है यानी कि इनडायरेक्ट है तो वो P&L में जाएगा। इसके बाद जितने भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये भी अल्टीमेटली डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये भी डेबिट होते हैं P&L अकाउंट में जाकर के, लेकिन ये डायरेक्ट डेबिट नहीं होते, ये होते हैं बाई वे ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने बताया था ये दोनों ही एक्सपेंस हैं, तो अल्टीमेटली खर्चे तो दोनों ही हैं, तो जाएंगे दोनों ही P&L में। बस तरीका ये है कि जो रेवेन्यू खर्चा होता है वो पूरा का पूरा उसी साल डेबिट हो जाता है जिस साल वो होता है, जैसे इस साल की सैलरी इसी साल के P&L में डेबिट हो जाएगी।
लेकिन हमने इस साल कोई फर्नीचर खरीदा है तो वो फर्नीचर तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन हम इस फर्नीचर को जितने पीरियड तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उतने पीरियड में इसको बांट देते हैं, अपोर्शन कर देते हैं। तो जो हम अपोर्शन कर देते हैं, जैसे 5 लाख का फर्नीचर है और मान लो वो 5 लाख चलेगा, तो हमने क्या किया, 5 साल में 1-1 लाख उसका सोचा कि भी 5 साल में 1-1 लाख इसका डिमिनिश हो जाएगा, तो 1-1 लाख हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे और वो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली P&L में जाएगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एक बीच की स्थिति होती है, यानी कि जब हमको किसी खर्चे के पहचान करने में ये दिक्कत हो जाए कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो वो डेफर्ड हो सकता है, हालांकि डेफर्ड की अपनी पहचान होती है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉर्मली तो रेवेन्यू होते हैं, मतलब वो देखने से रेवेन्यू लगते हैं हमको, रेवेन्यू, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। अब आपने नॉर्मल एडवर्टीजमेंट कराई तो हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट कराना, तो एक ये रेवेन्यू खर्चा है, लेकिन मान लो ये एडवर्टीजमेंट पे आपने काफी हैवी खर्च कर दिया और उस एडवर्टीजमेंट का असर हमको 5 या 10 साल तक मिलता रहेगा, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट, इसका बेनिफिट हमको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक मिलता रहेगा, और इस कारण से हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट है वो उसी तरीके से होता है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, बिल्कुल वही इसका तरीका है। जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि फर्नीचर को, बिल्डिंग को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, वैसे ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देते हैं, जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जब संस्था हमने शुरू की थी उस समय के खर्चे। अब जो संस्था हमने जब शुरू की थी तो उस समय के जो रेवेन्यू खर्चे भी होते हैं, कोई लीगल फीस दी, कोई स्टेशनरी तैयार कराई, कोई रजिस्ट्रेशन फीस दी, तो संस्था के शुरू में हमने खर्च किए, तो नेचर उनकी रेवेन्यू है क्योंकि वो उनका जो बेनिफिट है वो तो उस समय मिल गया। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है कि इनका बेनिफिट अल्टीमेटली हमको तब तक मिलेगा जब तक हमारी संस्था बनी रहेगी, यानी कि लंबे समय तक मिलेगा। बाकी नेचर इनकी रेवेन्यू जैसी ही है, स्टेशनरी खर्चों जैसी, मान लो स्टेशनरी पे खर्च हुआ, लीगल फीस दे दी, रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया, तो इनसे कोई फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं हुआ, मतलब कैपिटल एक्सपेंस हम इनको नहीं बोल सकते, लेकिन इनका बेनिफिट लंबे समय तक रहेगा, रेवेन्यू जैसी नेचर है, तो इनका हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही इन पे डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम इनको कहते हैं कि राइट ऑफ करना, रिसीव्ट्स। तो जैसे पेमेंट या एक्सपेंसेस के बारे में बात की, वैसे ही रिसीप्ट भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक हमने जिनकी बात की एक्सपेंसेस की, तो वो एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि पेमेंट साइड में, खर्चे साइड में आ जाते हैं। अब बात करेंगे रिसीप्ट की। रिसीप्ट भी दो तरह की हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक्सपेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर दो तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही है इनका भी, कैपिटल और रेवेन्यू लग जाने से जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कैपिटल एक्सपेंसेस में लगने से कॉन्सेप्ट रहता था, ठीक वही रिसीप्ट में भी रहता है। कैपिटल रिसीप्ट के केस में क्या होता है कि अगर कोई रिसीप्ट ऐसी है कि वो इनकार करती है कोई ऑब्लीगेशन टू रिटर्न द मनी, यानी कि अगर हमारे पास कहीं से पैसा आया और उस पैसे के बदले में हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी क्रिएट कर हो गई कि हमको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से या फ्रेंड से, कहीं से भी लो, तो लोन लेना जो होता है वो कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक वैसे ही अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी अपनी पुरानी, जैसे पुराना फर्नीचर था बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, तो उनसे जो पैसा आया वो भी आपकी कैपिटल रिसीप्ट ही होता है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बैंक से लोन लेना या मनी इन्वेस्टेड बाई ओनर, इवन जो ओनर भी अपना पैसा बिजनेस में लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो भी कैपिटल रिसीप्ट रहती है। और कोई फिक्स्ड एसेट अगर बेच देंगे तो उससे जो पैसा मिलता है वो भी कैपिटल रिसीप्ट ही रहती है। इसके बाद है रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या रहती है, रेवेन्यू रिसीप्ट इसका उल्टा रहती है, एकदम विपरीत रहती है। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, अगर कोई रिसीप्ट ऐसी है जो ना तो आप पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, यानी कि आपको पैसा कहीं से मिल गया तो कोई लाइबिलिटी तो, और लाइबिलिटी आपकी बनी नहीं, वो आपको वापस भी नहीं करना, रिटर्न भी नहीं करना, और ना ही आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, मतलब आपकी कोई एसेट भी नहीं बिकी। तो अगर ऐसा पैसा मिले जिससे ना तो आपकी फिक्स्ड एसेट में कोई कमी आए
और ना ही आप पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो। तो इसका मतलब ये आपकी एक रेवेन्यू रिसीप्ट है। जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है वो हमारी इनकम को, आमदनी को बढ़ाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सेल्स मेड बाई फर्म, फर्म ने अगर कोई सेल की तो वो फर्म की आमदनी रहती है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल गया, आपको कहीं से डिविडेंड मिल गया, आपको रेंट मिल गया, आपको जो भी इस तरह की अमाउंट आपको मिलेगी, फीस मिल गई कहीं से, ये सब आपके लिए रेवेन्यू रिसीव्ड रहती है। ये आपकी आमदनी को बढ़ाती है और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। अब बात आती है कि हमने जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ लिए। ये कॉन्सेप्ट अगर हमको ध्यान रहेंगे तो ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में काफी सुविधा मिलेगी। अब इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, सबसे पहली बात ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये बनाते हैं ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल जाए। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इसको जो व्यवहारिक मीनिंग होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो पर्पज होता है ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने केवल और केवल बिजनेस से कितना अर्न कर रहे हैं। मतलब जो बिजनेस से अदर एक्टिविटीज हैं अगर उनको हटा दें, जैसे अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम प्रोडक्ट करके जो बेच रहे हैं सेल, उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे बिजनेस का जो बेनिफिट है वो हम जान पाते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसमें डायरेक्ट के अलावा जितने भी इनडायरेक्ट तरीके के एक्सपेंसेस हमको करने पड़ जाते हैं, मतलब चाहे वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही मान लो हमारे बिजनेस को कोई ऐसी इनकम होती है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो जब हम सारी इनकम में से सारे खर्चों को घटाते हैं तो वो हमारा पी एंड एल का हिस्सा होता है और उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट बनाई जाती है ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए कि हमारी एसेट कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है। रेलिवेंट आइटम्स इन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में सामान्यतः कौन से आइटम आते हैं, तो ये आइटम सामान्यतः आते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि खर्चे वाली साइड में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न्स, वेजेज, कैरेज इनवार्ड, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग चार्जेज, सैलरीज, रेंट पेड, कमीशन पेड, रिपेयर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल के डेबिट साइड में। इसमें भी आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, कैरेज इनवार्ड, फ्राइट इनवार्ड, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, ये जो खर्चे हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेज जो आपके गुड्स के खरीदने या गुड्स को बनाने में खर्च होते हैं, मैन्युफैक्चर करने में खर्च होते हैं, इन सब को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं। इसके बाद ये जो खर्चे हैं, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग चार्जेस, सैलरी, रेंट पेड, कमीशन पेड, रिपेयर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपके प्रोडक्शन से। ये जो एक्सपेंसेस हैं या तो सेल बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, या आपके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स रहेंगे उनको देखते हैं, यानी कि इनकम वाली साइड में। क्रेडिट साइड में आइटम रहेंगे सेल्स लेस रिटर्न, यानी कि सेल और अगर कोई रिटर्न हो गई है सेल तो उसको माइनस कर दिया जाता है, इसको नेट सेल हम बोलते हैं। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इसमें भी जो सेल होती है वो बिजनेस की मुख्य आमदनी होती है और इसलिए जो सेल होती है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है। लेकिन बाकी जो ये इनकम्स हैं ये सारी इनकम ऐसी होती हैं, अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे अगर बिजनेस का मेन, किसी व्यवसाय का मेन ये मकसद नहीं है ये सब करना, तब की बात कर रहे हैं। यानी कि एक सामान्य बिजनेस के लिए ये जितने भी आइटम्स हैं, एक सामान्य बिजनेस के लिए जितने भी आइटम होते हैं ये एक इनडायरेक्ट इनकम रहते हैं और ये पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। इसके बाद अब देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, तो एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट इन पी एंड एल अकाउंट है, मैं इसमें कुछ आइटम्स लिखता हूं और उससे हम कैसे निकाल पाते हैं प्रॉफिट उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में मान लो हमारे पास 10,000 रुपये का कोई स्टॉक था, उसके बाद हमने कुछ और परचेज कर लिया सामान, हमने कर लिया परचेज तो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज। अगर कोई रिटर्न हो जाएगा परचेज तो वो माइनस हो जाता परचेज में से। मान लो हमने 30,000 का सामान और परचेज कर लिया,
इसके बाद हमने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हो या वेजेज का हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हो, मैं केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किए और वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किए हैं मान लो वो हमने 5000 किए, तो कुल मिलाकर के ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। और हमने सेल कर दी बाई सेल, हमने सेल कर दी मान लो 55000 की, तो हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना आ गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चल जाएगा। हम टोटल कर लेंगे लार्जर साइड का, लार्जर साइड अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट अगर लार्जर है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो लार्जर साइड है वो क्रेडिट साइड ही है, तो 55000 इसका टोटल आ गया, ये भी 55000 आ गया, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है प्रॉफिट निकल आया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, केवल ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो 55000 है, 55000 ये सेल थी, ये मैंने ऐसे बिजनेस के बारे में बात की है जिसने अपने पास साल के लास्ट में कुछ बचाया नहीं, इसके पास साल के शुरू में रखा हुआ था 10000, फिर इसने और परचेज कर लिया 30000, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 30 और 10 40 हो गई। फिर इसने इस पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए, डायरेक्ट में चाहे वेजेज हो चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, वो सब जुड़ गए और टोटल इसका खर्चा हो गया टोटल यहाँ पे मिला करके 45, और इसने ये सारा सामान बेच दिया, कुछ नहीं बचाया अपने पास 55 में, तो इसका मतलब इसके पास जो प्रॉफिट बच जाएगा लास्ट में उसको हम यहाँ पे कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इस केस में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 10000, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, साल के लास्ट में कुछ ना कुछ बिजनेसमैन के पास बच ही जाता है, क्योंकि उसके पास जो बच जाता है सामान वो बिका नहीं जिसको वो आगे बेच सकता है, तो जब कुछ बच जाता है तो हमारे पास हम उसको बचत कहते हैं, बचत को सेविंग भी कहते हैं, और सेविंग एक तरह से हमारी इनकम्स को बढ़ा देती है। तो मान लो कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका तरीका ये होता है कि हम उस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिख देते हैं, साल के लास्ट में हमारे पास जो बचा क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए हमारे पास बचा 6000, मैं मान लेता हूँ एक फिगर केवल, तो 6000 का अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो अब हमारा ये जो टोटल आएगा इस साइड में ये टोटल बढ़ जाएगा, इस बार ये टोटल 55000 से बढ़ करके 61 हो जाएगा, और ये 61 होने की वजह से अब हमारा अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे क्रेडिट डेबिट साइड का जो टोटल है ये भी 61 होगा, और इस तरीके से जो प्रॉफिट है अब कम रह जाएगा, उसमें 6000 की कमी हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना भी हमारा। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम ऐसे फॉर्मूलेज में दिखा सकते हैं, कभी इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इनके मैं अलग अलग नाम बताता हूँ सब चीजों के क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इस क्वेश्चन में कहूं तो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो ये फॉर्मूला यहां पे क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक ये प्लस परचेज ये प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये, यानी कि ये जो तीनों चीजें ये ऐड कर ली हमने, और इन तीनों में से ये क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं 6000, क्योंकि ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 45 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 39000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल है उसमें से अब हम इसको घटा देंगे, जो टोटल जितना भी बन रहा है ये इसमें से इसको लेस कर देंगे 10 और ये 40 और ये 45 हो गया, 45 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये 39 बचा, और 39 माइनस करेंगे 55 में से तो हमारे पास हमको पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना आया। शायद ये कैलकुलेशन गलत हो गई थी, इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 6511 61 हो गया और ये हो जाएगा 549। हाँ ये कैलकुलेशन गलत हो गई थी, इसको मैं सही कर देता हूँ, हाँ नाउ करेक्टेड, अभी करेक्ट हो गई है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे कुल मिलाकर के ये है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, जब हम इनकी कॉस्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस्ट अगर हमने एक दफा ये चेक कर ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है, और सेल्स में से इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाएंगे तो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अब यहाँ पे सेल्स में से अगर घटाएंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो फॉर्मूला रूप में इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो आया था अगर उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और घटा दें तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। अगर अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं इसी वाले क्वेश्चन को आगे यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल सकता है इसको हम यहाँ पे देख लेंगे एक बार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट्स तो हमारे केवल बिजनेस करने से हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम आगे ले आएंगे बाई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के ये आ जाएंगे हमारे पास 16,000 रुपीज जितने हैं। अब इसके बाद हम इसमें से टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो ऊपर ये जो एक्सपेंस है डायरेक्ट, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो हम सेल्स में से पहले ही घटा चुके हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी बेचे गए माल की लागत। अब हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी घटा देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो ऑपरेशंस में एक्सपेंस होते हैं, इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब आ जाते हैं, उनको हम यहाँ पे घटा देंगे। मान लो जैसे सैलरी है तो वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हमने घटा दिया, मान लीजिए हमारी जो सैलरी है वो 6,000 थी, तो इसको भी अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास अब जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, अब जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये आएगा कैसे कि टोटल इस बार कर लेंगे इधर से, टोटल यहाँ पे इस बार इस अकाउंट में हमारे पास टोटल के लिए केवल 16,000 है क्रेडिट साइड में, तो 16,000 यहाँ पे लिख लिया जाएगा जो ग्रॉस प्रॉफिट था एक ही आइटम है क्रेडिट में, इसी 16,000 को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। और इसके बाद हमारे पास बच जाएगा 10,000, तो ये जो 10,000 है ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूला के रूप में हम ऐसे पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने किया है तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, अगर हमको नेट प्रॉफिट इसमें निकालना होगा तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अभी हमने केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें से लेस किया था, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया था। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होते लेकिन इनडायरेक्ट होते हैं और बिजनेस में खर्चे हो जाते हैं, उनको हम टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कहीं से लोन ले रखा था तो वो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे, यानी कि जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस से हटके होते हैं वो सब नॉन ऑपरेटिंग हो जाते हैं। जितने भी लॉसेस होते हैं जो रेयर होते हैं, मतलब जो ओकेशनली बार बार नहीं होते, रिपीटेडली नहीं होते, नॉन रिकरिंग, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो भी यहाँ पे आ जाएगा, लॉस बाय फायर वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो इस टाइप के खर्चे नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो दो हिस्सों में बट जाते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। मान लो इनको जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो हुए थे 4,000, तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घट जाएंगे। इसके अलावा इनको कोई नॉन ऑपरेटिंग की इनकम भी हो सकती है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है जैसे मान लो इनको कहीं से डिविडेंड मिल गया, बाय डिविडेंड, इसको मैं अभी यहाँ पे केवल नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख रहा हूँ याद रखने के लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीनिंग में बोल के बता दे रहा हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, मतलब जो मेजर आपका बिजनेस है उसके अलावा जो भी इनकम आएगी वो सब नॉन ऑपरेटिंग होगी। मान लो 2,000 रुपीज की आपको ये नॉन ऑपरेटिंग की इनकम हुई, तो अब इस तरीके से अब जो इस बार आपका प्रॉफिट निकलेगा, फिर आप देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट है, डेबिट ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो इनकम हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट ही साइड ज्यादा है, तो क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है
इसलिए उसी क्रेडिट साइड को हम डेबिट में भी लिख लेंगे और जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस बार ये 6 और 4 10 हो गए और कुल मिलाकर के हमारे पास 8,000 बच गए। तो जो 8,000 बच गए ये हमारा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती तो वो उधर साइड में हो जाता और तब हम उसको नेट लॉस बोलते। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को दिखाते हैं पर्टिकुलर डेट पे, जिसे हमें संस्था की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चल जाता है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? तो एक प्रोप्राइटरी के लिए, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं और पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उनके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है बैलेंस शीट का, लेकिन कंपनीज एक्ट में एक कंपनी के लिए जरूर है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कंपनीज के लिए जो होता है कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है, पुराने एक्ट में भी दिया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब चूंकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के लिए कोई नहीं है तो हम उसका जो ट्रेडिशनल कस्टमरी फॉर्मेट है उसी को अपना लेते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में आइटम कौन से देखते हैं? एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड ये मेजर आइटम्स होते हैं जो हमको बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ, यहाँ पे लाइबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स आ जाती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट जब भी बनाओगे सारे एसेट्स के आइटम इधर आ जाएंगे, लाइबिलिटीज के आइटम इधर आ जाएंगे। जो मेजर आइटम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अब अगर कभी बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटीज साइड में आपके मेजर आइटम आते हैं क्या? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी कि नॉन करंट। सबसे पहले जो क्योंकि मैं सोल ट्रेड की बता रहा हूँ, दरअसल ये फ्लो होता है जिसके बारे में अभी बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक सोल ट्रेडर की जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट दे रहा हूँ। सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट में सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज रहती हैं। अब करंट लाइबिलिटीज के जितने भी आइटम होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज के जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं इस पे। नॉन करंट लाइबिलिटी मेजर आइटम खाली में लिख रहा हूँ। उसके बाद कैपिटल ओनर की जो रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो ऐड होके दिखा दिया जाता है। नेट प्रॉफिट जो रहता है तो वो ऐड होके ऐड करके दिखाया जाता है। कोई ड्रॉइंग होते हैं तो लेस करके दिखाई जाते हैं कैपिटल में से। मेजर खाली में आइटम्स उनको बोल रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। करंट एसेट्स इसमें दिखा दी जाती हैं। नॉन करंट सब एसेट्स यहाँ पे आ जाती हैं। ज्यादातर आजकल दो हिस्सों में बढ़ती हैं इसलिए मैं दो हिस्से लिख रहा हूँ। बाकी सब चीजें इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे आप पहचान कर लेंगे वो करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, और लास्ट में यहाँ पे टोटल हो जाता है दोनों तरफ का, वो बराबर आना चाहिए। अब एक टर्म यूज होती है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? इस पे कभी कभी कॉम्पिटिशन में ये जो MCQs होते हैं उनमें इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है पिछले पेपर्स में। तो मार्शलिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? अभी जो मैं कर रहा था मार्शलिंग कर रहा था वहां पे, अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज मार्शलिंग। जब हम पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाते हैं, जैसे पहले करंट एसेट लिखी फिर नॉन करंट एसेट लिखी। अब इनकी भी नेचर होती है, जैसे करंट एसेट में सबसे ज्यादा जो लिक्विड होती है कैश लिखा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, और फिर उसके बाद मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल। तो जब ऐसे चलेंगे हम तो इसका मतलब हमने सबसे पहले मोस्ट लिक्विड एसेट ली और धीरे धीरे हम परमानेंट एसेट की तरफ चले। इसको लिक्विडिटी का ऑर्डर कहते हैं। ये मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट है। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है व्हेन वी पुट इन ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस इन द बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड मार्शलिंग। हम लिक्विडिटी का ऑर्डर में भी रख सकते हैं और हम परमानेंसी में भी रख सकते हैं। परमानेंसी में रखेंगे तो सबसे पहले सबसे परमानेंट एसेट आ जाएगी, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ऐसे ही डेटर्स, BR और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ठीक वैसे ही लाइबिलिटीज भी रहती हैं अगर हम इसको भी लिक्विडिटी को ऑर्डर में मेंटेन कर सकते। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं तो लास्ट में पता चलता है कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंसेस हैं जो रिसीव तो हो गए थे या पे तो हो गए थे
लेकिन वो एडवांस पे हो गए हैं या एडवांस रिसीव हो गए हैं, मतलब वो इस साल से रिलेटेड नहीं थे। क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं थे इसलिए वो इस साल की इनकम या इस साल के एक्सपेंस नहीं थे और हम उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हम उनको हमको उनका जो इम्पैक्ट है वो इस साल के प्रॉफिट से हटाना होगा, पहली बात। दूसरा, ठीक इसी तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्रू तो हुए, यानी कि या तो इनकम थी तो वो अर्निंग हुई हमारी, एक्सपेंस था तो अकर हुआ लेकिन वो रिसीव नहीं हुए या वो पे नहीं हुए। खर्चे हुए लेकिन पे नहीं किए अभी, या इनकम है, इनकम हुई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। तो क्योंकि ये नहीं हुए अभी तक इसलिए ये बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, लेकिन ये इस साल से रिलेटेड हैं तो हमको ये एडजस्ट करने होंगे। ज़्यादा क्लैरिटी जब विद एग्जाम्पल हम कराएंगे अभी थोड़ी देर में तो वहां पे होती चली जाएगी, वन बाय वन सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स के मेजर एडजस्टमेंट्स को करेंगे। पर्पस होता है एडजस्टमेंट्स करने का ताकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू प्रॉफिट लॉस दिखाए, ठीक वैसे ही हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन दिखाए। अब बात करते हैं वो कौन से आइटम्स हैं जिनके एडजस्टमेंट्स की ज़्यादातर जरूरत होती है। हालांकि ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, कितने भी आइटम ऐसे हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि कौन सी चीज़ें एडजस्ट करने लायक हैं। फिर भी जो रिपीटेडली एडजस्टमेंट्स होता है जिनका, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहले ऐसे आइटम्स क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है गुड्स का, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का है, चाहे फिनिश्ड गुड्स का है, जो स्टॉक बच जाता है उसको हम काउंट करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं और उस वैल्यूएशन को बुक्स में दिखाना होता है, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए यानी कि दे देने चाहिए थे लेकिन अभी पे नहीं किए, ड्यू बट नॉट पेड, इनको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये ड्यू हो गए हैं इसलिए ये हमारे एक्सपेंस हो गए हैं और इसलिए इनको एक्सपेंस मानना होगा। नेक्स्ट है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी देने नहीं थे लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए है, जो एडवांस में हमने पे कर दिए हैं, पेड इन एडवांस, इनको कहते हैं प्रीपेड। जैसे एडवांस में हमने किराया दे दिया या एडवांस में कोई अन्य खर्चा दिया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि एक्रू तो हुई यानी कि अर्न तो हुई, अर्न कमाया हमने पैसा बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, नॉट रिसीव्ड। जैसे मान लो हम कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, हमने उस एक्टिविटी को पूरा कर दिया है जिस पे हमें कमीशन मिलना था लेकिन अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, यानी कि कमीशन अभी हमें मिला नहीं है, तो उसको एक्रूड कमीशन कहेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसी तरीके से कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो अभी हमने अर्न नहीं की है लेकिन एडवांस में पैसा मिल गया है, एक्चुअल में इसके बदले में हमें जो काम करना है वो अभी हम बाद में करेंगे। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं संस्था की, समय के साथ उनकी कीमत में कमी आती रहती है, उसी को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स में पे भी उन एसेट पे लगता है जो डेप्रीशिएबल होती हैं। लैंड के केस में जमीन पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता है क्योंकि इसका जो जीवन है वो अनंत होता है। नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट होता है ऐसे डेट यानी कि हमने किसी को उधार बेचा हुआ था उसको हम डेट बोलते हैं, हमने किसी को जो उधार बेचा हुआ था अगर वो डूब जाए, हमारे डेटर्स पैसा देने से मना कर दें तो उसको हम बैड डेट बोलेंगे, ये हमारे लिए लॉस होता है, इसको भी एडजस्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये तो बैड हो गया और ये जो प्रोविजन बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है कि आज हम इस साल अपने अकाउंट्स बंद कर रहे हैं लेकिन जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं अपने तो हमारे बहुत सारे डेटर्स बुक्स में दिख रहे हैं, हो सकता है इन डेटर्स में से कुछ ऐसे निकलें जो नेक्स्ट ईयर पैसा देने से मना कर दें, तो नेक्स्ट ईयर वो मना करेंगे जबकि ये इस साल के डेटर हैं, इस साल की जो सेल है ये उसके डेटर हैं, तो इस साल का जो लॉस होगा वो
वो ना चाहते हुए भी अगले साल चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस साल अनुमान कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना पैसा हो सकता है डूब जाए, उसके लिए अभी से पैसा बचा के रख लेते हैं। दरअसल ये जो बिजनेसेस में प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसकी वजह से लोग ऐसा आइडिया लगा पाते हैं। तो जो बैड हो सकता है जो डेट या डाउटफुल जो डेट है उनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ये एक ही बात है, जिन पे डाउट है वो बैड हो सकते हैं, उन्हीं के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। कहीं पे ये प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा मिलेगा, कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा मिलेगा, कहीं पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इकट्ठा मिलेगा। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट एकदम एक जैसा रहता है, वो हम अभी करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसे डेटर हैं जो पैसा तो दे देंगे, डूबना वाला तो नहीं है वो पैसा, हमें पता मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय लगा रहे हैं। तो ऐसे डेटर से हमें जल्दी कलेक्शन के लिए कई दफे उनको प्रोत्साहन मोटिवेशन देना पड़ता है कि अगर आप टाइम पे पैसा पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो डिस्काउंट देंगे हम, इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं कि हो सकता है डिस्काउंट देना पड़ जाए। और ये भी जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है किसी बिजनेसमैन का, उसी से उसको आइडिया रहता है। तो अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को हम करेंगे। इसके लिए हम न्यूमेरिकल का सहारा लेंगे, एक सोल्ड न्यूमेरिकल है वो मैं यूज करूंगा सारे क्वेश्चंस में सिमिलर, ताकि सेम वो बना रहे मोमेंटम। पहला एडजस्टमेंट हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जब एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए, हम फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं तो बनाते कहाँ से हैं, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यानी कि पहले से रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आती हैं। इनका जर्नल बन चुका है, कैश बुक बन चुका है, लेजर बन चुका है, लेजर से हमें पता चला कि हमारा परचेज टोटल कितना है, परचेज का बैलेंस, वेजेज का बैलेंस कितना है, सैलरी का कितना है, इंटरेस्ट रिसीव का कितना है, सेल्स का कितना है, ये सारे अकाउंट के बैलेंस हमें पता चल गए। ये हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिए दोनों तरफ और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, तो हम ये मान सकते हैं कि मैथमेटिकली हमारी बुक्स में कोई एरर नहीं बची है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में ये सब तो ट्रांजैक्ट हुए थे, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो क्लोजिंग था वही इस साल के लिए ओपनिंग हो गया, पिछली बैलेंस शीट से मिल गया, परचेज वेजेज ये सब हमें अकाउंट से मिल जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास साल के लास्ट में जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा सामान होता है जो हमारी शॉप में पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के लास्ट में हमारी दुकान में रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि ये जो रखा गया है ये सामान, एक तरह से पूरे साल हमने जो खरीदा सामान उसका हमने यूज किया बनाने में, बाद में हमारे पास वो बच गया, जो बच गया एक तरह से वो सेव हो गया। तो देखिए, हम जो सामान लाते हैं, मैं इसको एक साधारण करके बताता हूँ क्यों इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैंने 10,000 का सामान परचेज किया, 10,000 का सामान मैंने परचेज किया, मैं कह रहा हूँ, और मान लो मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं, केवल इतना है मैंने 10 का परचेज किया, साल में से पहले शुरू में कोई स्टॉक नहीं था, और मान लो हम केवल ऐसे बेचते हैं सामान और फेरी लगा कर बेचते हैं, बाकी हमारे पास कोई सेट है ही नहीं, सामान खरीद लाए बस इसको बेचते हैं। मान लो मैंने ये 10,000 का सामान लिया और 15,000 का मैंने सामान बेच दिया, तो मैं कहूंगा कितना प्रॉफिट हो गया, कोई भी देख कर बता सकता है कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसने एक जानकारी बाद में दी कि भाई 10,000 का मैं लाया था, 15,000 का बेच दिया और 3,000 का अभी भी मेरे घर में सामान रखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि भाई तब तो तुमको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि देखो 10,000 का हम सामान लाए थे, उसमें से तुम 15 का बेच चुके हो और 3,000 का अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये तो टोटल 18 हो गया, तो तुम्हारा बेनिफिट तो ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से सेल में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम देख करके, चेक करके और लास्ट में ऐड करते हैं ताकि सही प्रॉफिट निकल जाए, यही कारण है क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करने का। तो अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट दिख जाएगा हमको कि भी 10 में से 15 का तो हमने बेच ही दिया, तो 5,000 तो ये प्रॉफिट हो गया, प्लस 3,000 का आज भी बचा हुआ, तो एक तरह से हमारा जो प्रॉफिट हुआ ट्रू वो 8,000 का हुआ। इसी को जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको इससे समझेंगे क्वेश्चन। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसको आप बनाना पहले से जानते हैं, आइटम्स आप चेक कर सकते हैं। एक दफा मैं पहले जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस में मैंने यही बेस माना और एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का जो पहला पार्ट होता है वो ट्रेडिंग होता है, और जो अगला पार्ट होता है इसी अकाउंट का वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसका जो ये पहले वाला पार्ट है ये ट्रेडिंग है यहाँ तक, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये पी एंड एल कहा जाता है।
तो ट्रेडिंग में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में हमारे पास जो स्टॉक था वो लिख दिया जाता है। इसके बाद हमने जो परचेज किया वो लिख देते हैं, 6,000 हमने परचेज किया। इसके बाद हमने मजदूरों को जो मजदूरी दी काम कराने में वो इतने दी, तो एक तरह से हमारा टोटल जो कॉस्ट हो गया ये हो गया, ये कॉस्ट आया। लेकिन लेकिन ये जो कॉस्ट आया, अभी हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ सामान तो अभी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का, तो एक्चुअल में हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट आया था, अब हम कहेंगे कि जो सामान बेचा उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि ये तो बेचा ही नहीं हमने 2,000, ये हमारा सारे सामान का कॉस्ट था। फिर से ध्यान दें, 6 और 1 7 और 2 9,000 टोटल हमारे सामान की कॉस्ट थी। इतना हमने परचेज ओपनिंग स्टॉक था, पहले था 1,000 का, 6,000 का खरीद लिया, 2,000 की मजदूरी दे दी, तो टोटल कॉस्ट आई 6 और 1 7 और 2 9 9,000 की। लेकिन हमने कहा कि 9,000 में से 2,000 का सामान तो बिका नहीं है, तो जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है? तो जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस 9,000 में से 2,000 घटा देंगे तो 7,000 हमारे बेचे गए सामान की कॉस्ट आ जाएगी। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी यहीं से बनता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यही इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है। अब हम जानना चाहें कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो गुड्स हमने सेल कर दी उसकी कॉस्ट हमें पता है 7 है, और वो बेच दी हमने 15 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 8,000 का दिख रहा है हमको। लेकिन हम अकाउंट बना के इस तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि ये तो आइटम छोटे थे, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, सैकड़ों आइटम्स हो सकते हैं, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में इस अकाउंट का प्रयोग करते हैं प्रॉफिट जानने के लिए। ये जो प्रॉफिट आता है हमारा, ये इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो केवल हमारे जो बिजनेस है उसकी मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज और जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रॉफिट को दिखाता है, इसलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ये बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशियंसी है ये उस पर फोकस करता है। इसके बाद अब 8,000 का जो प्रॉफिट आ गया उसको हम आगे ले आते हैं, ये तो टोटल है दोनों साइड्स का, 8,000 का जो टोटल है इसको आगे ले आते हैं, और अब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी जो एक्सपेंसेज हैं जो यहाँ पे नहीं घटे थे, क्योंकि यहाँ पे केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटते हैं, अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली तो रिलेट नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस के लिए खर्च है, सैलरी 3,000 ये घटाएंगे। और ठीक ऐसे ही बिजनेस की डायरेक्ट इनकम तो सेल होती है, या जिस में ऑपरेशन में वो लगा होता है उससे जो प्राप्त होगा वो उसकी डायरेक्ट इनकम होती है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो बिजनेस से हटके होती हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, हमने बैंक में जमा कर दिया, या हमने कोई बॉन्ड खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिए, तो उन पे कोई इंटरेस्ट होता है, तो वो हमारी एक एडिशनल इनकम होती है जो कि ऑपरेटिंग से अलग होती है, इनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है। तो अब 8,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4,000, टोटल प्रॉफिट हुआ 12,000। 12,000 में से जो एक्सपेंसेस थे 3,000 ये इनडायरेक्ट घटा दिए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 9,000। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का यूज करते हुए हमने नेट प्रॉफिट जान लिया। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करते क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे, तो हमारा जो प्रॉफिट होता वो भ्रामक होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इसी को बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है, इसी से रिलेटेड ये भी एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप मैच करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में। ऐसे अकाउंट जो रियल अकाउंट होते हैं या जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तो आते हैं बैलेंस शीट में, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है नोट करने की। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि वो कुछ बैलेंस रखते हैं, और वो सब आ जाते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। इसी कारण से बैलेंस शीट को बैलेंस बोला जाता है कि जिन अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस होते हैं इसलिए बैलेंस शीट में इनका बैलेंस आ जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उनके कोई बैलेंस नहीं रहते हैं, इसलिए वो पी एंड एल अकाउंट में चले जाते हैं। कैश एसेट्स एंड 10,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 4,000, और कैपिटल हमारी 33 थी। नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया जाता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारी, और स्टॉक जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे लिखा जाता है। ध्यान रखें,
इस बैलेंस शीट में केवल क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग डेट पे बन रही है। क्लोजिंग डेट पे बन रही है क्योंकि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हम तब बना रहे हैं, तो क्लोजिंग के सारे आइटम है। इवन यहाँ पे स्टॉक के साथ क्लोजिंग लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये विदित होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ये स्टॉक भी क्लोजिंग होगा। ये सारी चीजें जो है ये क्लोजिंग डेट की है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख चुका था, वो अब दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम इसी स्टॉक का दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे तो एडजस्टमेंट में दिया था। अगला केस जो है इसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, वो भी अंदर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस में अंदर लिखा हुआ है तब क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसको मैं पहले आप पिछला ट्रायल बैलेंस जरा देखें, वहां से देखेंगे तो इसका लॉजिक पता चलेगा ज्यादा अच्छा। अभी मैं पिछले ट्रायल बैलेंस पे ले जाता हूँ, इसको आप नोट करें। इस ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है परचेजेज 6000, और अभी इस बार का जो ट्रायल बैलेंस है हमारा नेक्स्ट वाला, उसमें नोट करें उस पर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है परचेजेज 4000 और क्लोजिंग स्टॉक 2000। तो जब आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें एडजस्टमेंट में कहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसको परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया है। परचेज के साथ एडजस्ट करने का मतलब है कि पिछला ट्रायल बैलेंस में हमने देखी थी 6000, तो उन्होंने क्या किया, इस 6000 को ना दिखा करके उन्होंने कहा कि भाई हमारा 2000 तो क्लोजिंग स्टॉक ही बचा हुआ है, और इसलिए जो परचेज किया हुआ सामान इस बार यूज हुआ है वो केवल 4000 यूज हुआ। यानी कि इस 6000 को पहले से ही उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, तो पहले से ही बांट दिया इसलिए हमें दोनों चीज यहाँ पे, ये जो परचेज के 6000 थे वो अलग अलग बांट के देख रहे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक परचेज से पहले ही अलग हो चुका है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, इस कारण से अब हमें ये बाहर नहीं दिख रहा है। अब जब हम P&L अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन देंगे बाई सेल्स अकाउंट 15000, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा। उसका कारण ये है कि जो परचेज है ऑलरेडी उस परचेज में से ये क्लोजिंग स्टॉक अलग हो चुका है, यहाँ पे जो दिख रहा है तो ये अलग हो चुका है, इसका मतलब ऑलरेडी ये परचेज में से घट चुका है। और अब जो परचेज यहाँ पे दिखाई जाएगी ये 4000 है जो कि क्लोजिंग स्टॉक से हटके है। अगर ये 6000 होता तो नेचुरली हमको यहाँ पे 2000 दिखाना होता और वही इसका इम्पैक्ट दिखता। यही कारण है, बाकी सारा अकाउंट एक जैसा है, केवल इम्पैक्ट आप देखते चलें। पिछले में हमने देखा था 6000 था यहाँ पे टोटल परचेज था, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा था। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है ही नहीं, बाहर अंदर ही लिखा हुआ, तो हमें पता चल गया ये पहले ही परचेज से अलग लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे जो परचेज है वो नेट परचेज है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक शामिल है ही नहीं, स्टॉक का पैसा उन्होंने पहले ही अलग कर दिया। तो इस बार प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, देखो वही ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जो पिछली सिचुएशन में भी आ रहा था। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो याद रखें ट्रेडिंग एंड P&L में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखेंगे तो वो दो बार घट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी परचेज में से पहले से ही घट चुका है। अब लेकिन ये बात याद रखें कि बैलेंस शीट में हर वो आइटम आएगा जो लास्ट में बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है बैलेंस होगा। तो चाहे आपका क्लोजिंग स्टॉक बाहर हो ट्रायल बैलेंस के, चाहे अंदर हो, क्योंकि साल के लास्ट में वो क्लोजिंग में है और इसलिए वो बैलेंस शीट में दिखाना ही होगा। स्टॉक 2000 तो पिछली सिचुएशन में भी और इसमें भी स्टॉक हम एज इट इज शो करेंगे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन मैंने कोट किया है, सेम लिया है, इसलिए बार बार अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल कंसर्न्ड आइटम को देखते चले जाएं। इस बार पिछले जैसा सिचुएशन ऑलरेडी है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। केवल आउटस्टैंडिंग जो वेजेज है 500 रुपए, ये पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो मैंने पुट किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेज उन्होंने बताई 500, तो एक नई जानकारी दी। आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब है कि ये वेजेज उन्होंने पे नहीं की इस साल, लेकिन ये वेजेज है, काम किसी से कराया है, तो वो पैसा हमें देना पड़ेगा। तो क्योंकि देना पड़ेगा और एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हमारे अकाउंट बनते हैं, इसलिए हम इसको खर्चा मानेंगे। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, इस कारण से ये ट्रायल बैलेंस में कहीं पे एडजस्ट हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायल बैलेंस में अंदर वेजेज लिखी हुई है, इसका मतलब है ये तो दी जा चुकी है और ये अभी दी नहीं है, तो ये दोनों वेजेज मिला करके टोटल खर्चा वेजेज का होगा हमारा 2000 ये और 500 ये। इस तरीके से हम जब वेजेज यहाँ पे दिखाएंगे 2000, तो इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज के 500, इनको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो जब जगह हमारे पास होती है तो यहाँ पे 2500 ऐड करके यहाँ सीधे 2500 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है।
इस बार हमारा प्रॉफिट इस तरीके से अब 7500 रह जाएगा, और जो बाकी सिचुएशन से वो सारी सेम रहेगी। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेज है, तो मैंने कहा कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि भी दो जगह लिखना है, किसी को एक जगह, ये एक मतलब बात, दो जगह लिखते हैं एडजस्टमेंट्स को, लेकिन ऐसा करके आप कभी गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां विशिष्ट टाइप से, स्पेसिफिक टाइप में दी हुई होती हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हर जगह सही नहीं बैठेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वेजेज आउटस्टैंडिंग रह गई, इसका मतलब बैलेंस बच गया, वेजेज का बैलेंस बच गया, इसलिए ये बैलेंस शीट में आएगा, याद रखें। जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस शीट में आएगा, ये वेजेज जो अंदर लिखी है ये पे हो चुकी थी, इसका कोई बैलेंस किसी के पास नहीं बचा था, तो ये वेजेज हमारे पास आउटस्टैंडिंग बच गई है, बैलेंस बच गया, इसलिए इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। आगे देखें, बैलेंस शीट में बाकी आइटम सब एज इट इज है, हमने आउटस्टैंडिंग वेजेज को भी यहाँ पे दिखाया है, लायबिलिटीज है ये बिजनेस की, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर के। फिर से हमने केवल एक आइटम को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसमें देखेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। पिछली जानकारी को आगे जारी रखते हुए हमने एक जानकारी और जोड़ दी, प्रीपेड वेजेस 100। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेजेज इस साल दी होंगी, क्योंकि ये साल के लास्ट में हमें आइडेंटिफाई हुआ, इन्हीं को एडजस्ट करते हैं, साल के लास्ट में हमें पता चला कि भी 100 रुपए की जो वेजेज है वो तो प्रीपेड है, यानी कि पहले ही दे दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वेजेज थी यहाँ पे 2000 रुपए, हमें जानकारी मिली कि ये 2000 में से 100 रुपए तो हमने एडवांस दे दिए, वो अगले साल काम आएगी, तो ये जो एडवांस वेज दे दी है हमने, प्री पे कर दी है, ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए इस साल के खर्चे में से इसको एक तो माइनस करना पड़ेगा पहली बार, दूसरा क्योंकि ये वेजेज प्रीपेड है, जब हम किसी से एडवांस ले लेते हैं तो हमारे लिए वो लायबिलिटी होता है, जब हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होता है, क्योंकि उससे हम या तो ये फंड वसूलेंगे या इसके बदले में वो हमारा कोई काम करेगा, तो ये हमारी एसेट है, जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक वो पर्सन काम नहीं कर देगा तब तक उस पर हमारा ये 100 रुपया उधार की तरह है, हमारा उधार है इसलिए हमारी एसेट है। तो इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ शो किया जाएगा इसको देखें, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको प्रीपेड वेजेस को शो किया जाएगा, यहाँ पर वेजेस 2000 आउटस्टैंडिंग ऐड किए थे, प्रीपेड को हम लेस कर देंगे और फाइनल जो नेट अमाउंट 2400 ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका असर हमारे नेट प्रॉफिट पे पड़ा कैलकुलेशन पे, तो वो एक्यूमुलेटिंग फर्क है, वो जैसे अकाउंट शुरू में बताए थे वैसे ही आप उसको सोचते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अब देखते हैं इसका असर बैलेंस शीट में क्या पड़ा, तो इसका असर आप बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो बैलेंस शीट में ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में इसका असर पड़ा है यहाँ पे कि ये प्रीपेड वेजेज हमने प्रीपे कर दिए, इसलिए हमारी एक एसेट बढ़ गई है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट एकदम मैच होता चल रहा है। आप इसको पॉज करके पूरे को देखना चाहें तो पूरे को भी अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, मैं केवल कंसर्न ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि जो पिछली जानकारी है वो एज इट इज रखी है हर केस में। आगे नेक्स्ट केस में आते हैं एक्यूड इनकम, तो एक्यूड इनकम होती क्या है, ऐसी इनकम जो अर्न तो हो गई है लेकिन अभी वो मिली नहीं है हमको, उसको कहते हैं एक्यूड इनकम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक्यूड इंटरेस्ट 400। एक्यूड इंटरेस्ट क्या होगा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हमारी संस्था ने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए, अब बैंक वालों ने हमको इंटरेस्ट देना था, लेकिन बैंक वालों का जो इंटरेस्ट देने का टाइम होता है वो 3 मंथ पूरे होने पे, 3 मंथ्स पूरे होने पे वो पे करते हैं, जैसे मान लो वो 31 मार्च को पे करेंगे, मान लो इससे पहले हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो किसी भी डेट पे, अब इसको ऐसे ना लें कि 31 मार्च को, मैं कोई दूसरी डेट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, अन्य डेट भी हो सकती है, अगर ये मिल गया तब तो एक्यूड कहा ही नहीं जाएगा। मैं ये मान रहा हूँ कि मान लो इस डेट तक ये इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है, जिस दिन हम P&L बना रहे हैं, चाहे वो जो भी दिन हो, 31 मार्च हो, 30 अप्रैल हो, 2 अक्टूबर हो, अकाउंट्स जनरली हम साल के लास्ट में बनाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जरूरत पड़ने पे कभी भी बना सकते हैं, कोई हमारे बिजनेस को खरीद रहा है तो बीच में भी बनाना पड़ जाता है अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए, कारण जो भी हो, मान लो इंटरेस्ट ऐसा है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा ब्याज बैठ रहा है 400, लेकिन हमने बैंक से पता किया तो बैंक बोला कि अभी नहीं देते हम, हमारा सिस्टम है हम 3 महीने बाद देते हैं या 6 महीने बाद देते हैं, यानी कि बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है पैसा, तो हम बैंक अकाउंट जो निकाल रहे हैं स्टेटमेंट, उसमें हमें ये ब्याज नहीं दिख रहा है, लेकिन
हम जानते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, अगर हमारे पैसे को बैंक में रखे रखे एक महीना हो गया तो हम 4% के रेट से उस पर ब्याज लगा देंगे, चाहे वो जो भी ब्याज हो, ये अमाउंट यहाँ पे दे रखी है तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। मान लो वो बैच 400 है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरेस्ट एक्रूड है, इनकम तो है हमारी लेकिन मिला नहीं है। तो जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कैश आया कैश गया नहीं देखते हैं हम, ये देखते हैं खर्च हुआ या इनकम हुई, उसके हिसाब पे लिखते हैं। तो इनकम तो है हमारी, तो इसलिए इसको इनकम साइड में लिखा जाएगा और P&L अकाउंट में हम इनकम साइड में इसको लिखेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट है इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम होने के नाते ये P&L अकाउंट के पोर्शन में आएगी। तो यहाँ पे हमको ये दिखाई देगी एड एक्रूड, जो इंटरेस्ट था कुछ इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी मिला हुआ था ट्रायल बैलेंस में 4000 रुपये का, और जो नहीं मिला 400 रुपये वो हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से टोटल हमारी इनकम होगी 4400 इंटरेस्ट के थ्रू। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसी हिसाब से अपडेट होता चला जाएगा, केवल जो कंसर्न आइटम है उसमें फर्क आ रहा है, बाकी सब जो पिछला है वो है। आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका मतलब ये है कि ये अर्न हुआ है, एक्रू हुआ है लेकिन मिलना बाकी है अभी, तो मिलेगा जब तब तक, क्योंकि हमारी जब इनकम कोई एक्रू होगी अर्न कर ली मिला नहीं है, तो एक तरह से हमारा उन पे उधार है ये पैसा, तो ये हमारी एसेट है। जब हमारा किसी पे उधार रहता है तो वो हमारी एसेट की तरह होता है, हम पे किसी का उधार होता है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये हम पे उधार है उन लोगों का जिन्होंने हमारे यहाँ काम कर दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। एक्रूड इंटरेस्ट ये हमारा उधार है उस पर जिसने हमसे लोन लिया है या जिसको हमने अपना डिपोजिट दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगला जो एडजस्टमेंट है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, ये है कि इनकम अभी हमारी अर्न नहीं हुई है लेकिन पहले ही मिल गई, मान लो कोई एडवांस में दे गया हमें पैसे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹300। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन थी, हालांकि इंटरेस्ट बहुत कम है कि एडवांस में मिले, ज्यादातर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन समझने के लिए हम किसी भी कोई भी इनकम हो सकती है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमें कहीं से इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया ₹300, हमने किसी को पैसे उधार दिए तो हमने कहा कि अभी हमें एडवांस दे दो ब्याज भाई, बाद में तुम केवल पैसे लौटा देना, उसने वो ₹300 हमको एडवांस दे दिए। अब जब एडवांस में हमको कोई इनकम मिल जाती है तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगी तब तक हमारी वो इनकम नहीं मानी जाएगी, वो हम पे एडवांस की तरह रहेगा वो पैसा, इसलिए ये हमारी इनकम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जो करंट ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है, हमें पता चला कि इसमें से ₹300 तो एडवांस मिला हुआ है, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब चाहे जितनी इनकम होंगी उन सबका एक ही तरीका होगा ट्रीटमेंट का, हम क्या करेंगे इंटरेस्ट जो, जैसे कि हमने जो एक्रू था हमारा अर्न था मिला नहीं था, उसको हमने इनकम मान करके ऐड कर दिया था इनकम में, ठीक वैसे ही जो चीज़ हमने अर्न नहीं की है और हमें एडवांस मिल गई है उसको हम इनकम नहीं मानते हैं, और इसमें से 4000 में से इसको माइनस कर देंगे 300 को, तो इस तरह टोटल 4100 हमारी नेट इनकम रहेगी और इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट भी अपडेट हो जाएगा। केवल जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दें, हो सकता है कोई कहीं पर एरर रह गई हो, हालांकि होनी नहीं चाहिए कोई एरर, लेकिन कैलकुलेशन एरर कहीं पर हो तो इसको इग्नोर करते हुए कॉन्सेप्ट को समझें केवल, कि जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखेंगे, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमको एडवांस में इनकम मिल गई क्योंकि हमने अभी काम नहीं किया और पहले ही पैसा मिल गया, तो ये हम पे उस पर्सन का एक तरह से एडवांस है, उधार है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है साल के लास्ट में, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस तो होता नहीं है तो इसका पता नहीं चलता है, साल के लास्ट में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, हो सकता है उनकी कीमतों में कमी आई हो, तो उनकी कीमतों में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हालांकि अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसका जो मेन लॉजिक है ये केवल कम होना नहीं होता है, बल्कि रियल लॉजिक ये होता है कि जैसे हमने मान लो जो फिक्स्ड एसेट है वो भी हमारा खर्चा ही होता है, जैसे हमने रिपेयर कराई और रिपेयर कराई और रिपेयर पे हमारा खर्च हो गया 1000, तो उसको तो हम खर्चा मान लेते हैं, लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा मान लीजिए 15000 का या 30 का, जितने का भी कोई एज्यूम कर लेते हैं, मान लो फर्नीचर हमने खरीदा 10000 का खरीदा, तो ये तो फर्नीचर है हमारा खर्च तो है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको हम एसेट मानते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये खर्च तो है लेकिन ये जो खर्चा है ये इसी साल में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हम इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। ये अगर हम एस्टिमेट करेंगे, मान लो आने वाले 10 साल तक ये फर्नीचर हमारे यूज होगा,
10 साल तक काम आएगा खूब। तो हम कहेंगे कि ये जो 10,000 हमने खर्चा है ये तो 10 साल का खर्चा है, ये 1 साल का खर्च नहीं है। तो इस 10 साल के खर्च को हम 10 साल में मैचिंग कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का कहता है उसका पालन करते हुए कि इस 10,000 के खर्च को हम 10 साल में खर्चा मानेंगे, यानी कि हर साल हम 1,000 1,000 1,000 खर्चा मानते जाएंगे। जो हर साल हम 1,000 खर्च मानेंगे उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअल में ये किसी फिक्स्ड एसेट की जो टोटल वैल्यू होती है उसका एलोकेशन होता है उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान, यानी कि इस 10,000 को हमने 10 साल का खर्चा मान लिया। तो बाकी जो अमाउंट है, जैसे पहले साल 1,000 खर्चा मान लिया, बाकी बच गया 9,000, वो नेचुरली बैलेंस शीट में एसेट कहलाएगा, बैलेंस शीट में देखिएगा एसेट के नाम से। खैर, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो उसको ट्रीट किस तरीके से करेंगे, जैसे 10% डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे, और यहाँ पे बुक्स में फर्नीचर हमें दिया 30,000 का, वो 10% दिया है, यहाँ पे पर एनम नहीं लगाया कहीं। जब पर एनम नहीं लगा होता तो इसका मतलब हमको ईयर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि पीरियड 1 साल का लगेगा कि 6 महीने का लगेगा। अगर पर एनम लगा होता है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो एसेट कब खरीदी थी और वो कितने दिन बिजनेस में रही, उतने दिन का ही ब्याज डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 10% सीधा लगा देंगे, 30,000 पे 3,000 रुपये, 3,000। तो 3,000 हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे डेबिट साइड में। दूसरा, जब हम एसेट दिखाएंगे तो एसेट साइड में जो हमारी 30,000 की एसेट थी उसमें जितना डेप्रिसिएशन लग गया 3,000, उसको माइनस करके जो नेट एसेट की वैल्यू है वो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इस तरीके से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, और आज का ये फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट भी है, ये इसमें कई सारी चीजों को इकट्ठा मैंने शामिल किया है। अब इसको मैं एक यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ पहले कि इनमें से मान लो कोई चीज नहीं है तो बस उसको इग्नोर कर देना और बाकी का ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। इनमें से जो भी एक चीज नहीं होगी उसको इग्नोर कर देना और बाकियों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सब दिए हैं तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे बस वो समझ लो, तो बाकी एक एक तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं इसमें नया क्या है, तो इसमें है डेटर 3600 और बैड डेट 400। अगर आप पिछला ट्रायल बैलेंस देखोगे इससे एग्जाम्पल 7 का जो देखोगे तो उसमें आपको डेटर दिखेंगे मेरे लिखे हुए 4,000। मैंने जान करके उन्हीं डेटर्स को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। जो पहले 4,000 थे, मान लो हमारे अकाउंटेंट ने कहा कि इनमें से 400 तो बैड हो गए, वो नहीं मिलने वाले हैं, तो हमने डेटर्स को अलग कर दिया कि भाई अब हमारे जो डेटर हैं बैड डेट से अलग, वो 3600 हैं, 3,600, और ये 400 तो बैड हैं। और मान लो वो अकाउंट पहले ही उनको अकाउंटेंट एडजस्ट कर चुका है, जिनको पहले एडजस्ट कर चुका है वो बुक में पहले से दिखे हुए हमको लिखे हुए दिख रहे हैं। इसमें जो डेटर है ये अलग है, जो 4,000 डेटर थे उनमें से 400 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बैड हो चुके हैं, तो लॉस हो चुका है, इसलिए हमने उसको पहले ही लॉस मान करके ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी जो इसके अलावा जो अच्छे डेटर थे हमारे वो 3600 थे। अब लास्ट में पता चला जिस दिन हम फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो हमने और जानकारी जुटाई, तो हमारे अकाउंटेंट ने बताया कि जो 400 तो डूब ही गए थे, अभी लास्ट में पता चला है कि 600 रुपये और डूबने वाले हैं, और डूब गए हैं, ये 600 भी हम नहीं देंगे। तो जो हम और डूब जाते हैं उसको कहते हैं फर्दर बैड डेट। एक्चुअल में एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट आपको लिखे यहाँ पे ये फर्दर नहीं भी कहता तब भी ये फर्दर बैड डेट होते, क्योंकि ये जो अंदर वाले डेट हैं ये इनके अलावा हैं, ध्यान रखना। तो 400 का तो पहले रिकॉर्डेड लॉस था, अब 600 का लॉस और हो गया, और कुल मिलाकर के हमें पता चल गया कि 1,000 का लॉस हो गया। आगे जो नई जानकारी है फिर कह रहे हैं कि मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5%, 5% का बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन भी बनाइए। प्रोविजन क्या होता है कि जैसे मान लो ये तो जो डूब गए वो तो डूब ही गए, उनकी कहानी वहीं पे खत्म। अब अकाउंटेंट कह रहा है कि भी हमारा पिछला एक्सपीरियंस कहता है कि तकरीबन साल के लास्ट में जो बचता है उसका 5% तक और डूबने के चांस बने रहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जब हमें हमारा पिछला तजुर्बा बताता है तो हम 5% का इस साल के प्रॉफिट में से पैसा बचा के रख लेते हैं ताकि ये जो लॉस होगा वो नए साल को इम्पैक्ट ना करे हमारे को। तो यही कारण होता है प्रोविजन बनाने का। प्रोविजन एक तरह से सेफ साइड लेके चलना होता है कि अगर वो डूब भी गया तो हमने इस साल के प्रॉफिट में से ही 5% बचा के रखा हुआ है पहले ही। तो जो बचा के रख लेते हैं पहले ही आने वाले लॉस के लिए उसी को प्रोविजन बोलते हैं। तो 5% ये भी एक तरह से हमारे लिए अब लॉस, ये हमने अज्यूम कर लिया होता है, जो प्रोविजन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी हमारा लॉस होगा।
तो 5% ये भी लॉस हो गया, तो पहले 400 लॉस था, 600 और हो गया, और अब जो डेटर बचेंगे उन पे 5% और हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि मे के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10%। आगे वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो डूब गए वो डूब गए, और जो डूबने की संभावना है वो भी हमने अलग कर दिए, लेकिन बाकी जो डेटर्स हैं वो पैसा तो दे देंगे, वो गुड डेटर है। अकाउंटेंट की सिफारिश कह रही है कि बाकी सारे डेटर हमने चेक करा लिए हैं, वो गुड डेटर हैं, वो पैसा देंगे, लेकिन अगर फर्म को पैसा जल्दी चाहिए होगा तो उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। कुछ लोगों को डिस्काउंट देते हैं तो वो जल्दी दे देते हैं पैसा, तो हमने उसके लिए भी प्रोविजन कर लिया कि मान लो जो बाकी डेटर बन गए उनसे जब हम जल्दी कलेक्ट करना कोशिश करेंगे तो हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे। ये 10% की जगह 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी साल के प्रॉफिट में से पैसा बचा के रख लेंगे। तो ये भी हमने अपना लॉस पहले ही मान लिया कि हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ये केवल गुड डेटर्स को दिया जाता है। इनकी कैलकुलेशन का जो सिक्वेंस है वो एक दफा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल में हम चेक करेंगे। जो 3600 रुपीज के ये जो डेटर्स हैं इसमें से ये 400 ध्यान रखना है ये पहले ही अलग हैं, तो इनका तो कुछ होना नहीं है। अब हम देखेंगे 3600 में से नए डेटर कितने हुए, 600 और डूब गए। फिर देखेंगे कि अब हमारे पास कितने डेटर बचे, तो हमारे पास बचे 3000। अब इस 3000 में से देखेंगे प्रोविजन कितने का बनाना, 5% का, यानी कि और डाउट है हमें कि इन 3000 में से 5% और डूब सकते हैं, तो 3000 का 5% निकालेंगे वो आ जाएगा 150। अब इस 150 यानी कि जो 3000 थे इसमें कुछ डाउटफुल थे, उन डाउटफुल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 150 डाउटफुल है, तो 150 रुपया जो है हमने पहले ही अपना लॉस मान लिया। अब हमारे पास जो 2850 बच गए इसको कहा जाता है गुड डेटर, यानी कि ये अच्छे देनदार हैं, गुड गुड डेटर्स। तो जो गुड डेटर्स या गुड डेट हैं, अच्छे ऋण हैं, इन पे हमें उम्मीद है ये पैसा तो सारा मिल जाएगा, लेकिन इनके लिए भी हमने प्रोविजन बना लिया कि 10% का हम इनको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जो डिस्काउंट दे सकते हैं वो भी लॉस हो जाएगा हमारा, उसका भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे। तो 2850 का 10% बनाएंगे तो वो हो जाएगा 285। इस तरीके से ये टोटल हमारे लॉस हो गए। पहला ये 600 तो लॉस पहले ही रिकॉर्डेड था, सॉरी 400 तो पहले ही रिकॉर्डेड था वहां पे, 400 के अलावा और नया लॉस हो गया हमारे पास 600। 600 के बाद हमने एक प्रोविजन बना लिया 150, ये भी लॉस है, और इसके अलावा ये जो डिस्काउंट हमने 285 किया ये भी लॉस है। अब इन सारे लॉस को हम P&L में लॉस लिखेंगे, बस ये करना है पहला काम। दूसरा जो डेटर है, अब हम जो फाइनल हमारे नेट डेटर से उनको बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेट डेटर हमारे क्या होंगे, 3600 में से ये 600 गए, 3000 में से 150 गए, 2850, और इस 2850 में से भी ये 285 घटाएंगे तब हमारे गुड तब हमारे नेट डेटर्स मिलेंगे, उनको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ध्यान रखना ये 400 मैंने नहीं घटाया 3600 में से, क्योंकि ये पहले ही घटा हुआ है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं कैसे ट्रीटमेंट किया है। जो मैंने बताया था उसको यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे, क्या वो सही है, और नहीं तो नोट कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बाद में मैच करेंगे। टू बैड डेट रिकॉर्ड कैसे करते हैं भाई, P&L में ये लॉस वाली साइड होती है डेबिट साइड, तो इसमें लिखते कैसे हैं, टू बैड डेट पुराना बैड डेट 400। फिर से ध्यान रखें, मैंने एक बात बोली थी कि इनमें से अगर एक भी आइटम नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे मान लो पुराना बैड डेट नहीं होता तो इग्नोर हो जाता, बाकी यहाँ पे टू फर्दर बैड डेट यहाँ से शुरू कर देते, इनमें से एक भी आइटम नहीं होगा वो बस इग्नोर हो जाएगा और दूसरे पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो अब हमारे पास ऑलरेडी जो ओल्ड बैड डेट थे रिकॉर्डेड थे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो 400 हैं, 600 और डूब गए, उनको भी हमने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट, ये बैड डेट हो गए, ये फर्दर बैड डेट हो गए। फिर प्रोविजन 150 का और बनाना है, तो कुल मिलाकर के लॉस हो गया डेटर्स के बैड और डाउट के वजह से हमारा 1150 का ये लॉस हो गया। जो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ये भी लॉस है, लेकिन ये डिस्काउंट के लिए लॉस है, इसके इस कारण से ऐसा ट्रेडिशन है कि इसको अलग से दिखाते हैं। हालांकि इसमें भी जोड़ देंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बेटर है इसको अलग रखना, क्योंकि ये डिस्काउंट के लिए दिया गया प्रोविजन है, किया गया प्रोविजन है। तो एक तो ये तो लॉस था ही दोनों तरह के, पुराना बैड डेट, फर्दर बैड डेट, और जो प्रोविजन बनाना पड़ा हमें 150 का, ये टोटल लॉस हो गया हमारे लिए 1150 का, और डिस्काउंट के लिए हमने जो प्रोविजन बनाया वो भी हमारे लिए लॉस हो गया 285। उम्मीद है ये एडजस्टमेंट एकदम क्लियर हो गई होगी, बैड डेट में लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या हो सकता है वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्या हो सकता है, बाकी सब तो था। इसमें एक नई सिचुएशन और क्रिएट हो सकती थी कि मान लो हमारे ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन लिखा होता, अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन होता तो वो मिलता हमको लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन अगर लिखा मिलता हमको तो उसका क्या करते,
अब ओल्ड प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जैसे इस बार हम ये प्रोविजन बना रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में से बचा रहे हैं पैसा, ठीक वैसे ही पिछले साल हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया हो और वो अभी हमारे बुक्स में दिख रहा हो, बैलेंस दिख रहा हो। बैलेंस कहाँ देखेगा? बैलेंस शीट में। तो पिछले साल अगर कोई प्रोविजन बना के रख लिया था संस्था ने, तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो हमारी संस्था ने पिछला प्रोविजन 1,000 बना के रखा होता, पिछले साल का जो प्रोविजन है वो 1,000 बना के रखा होता, तो इसका मतलब पिछले साल के प्रॉफिट में से 1,000 रख लिए थे। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो 1,150 का लॉस है ये हमें इस साल हो रहा है, तो 1,000 तो पिछले साल ही रखा हुआ था हमने इस काम के लिए। तो इस साल के P&L में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आएगा। मैं एक बीच में नई चीज जोड़ रहा हूँ, ये प्रोविजन अलग से आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, इस पे फोकस नहीं करना है, केवल यहां तक मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोविजन हमने ऐड किया है, हमें पता चला कि 1,000 पहले से था, तो ये जो 1,150 है इसमें से हम यहाँ पे लिखते, इस साइड में लिखते, डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मान लो ये 1,150 हमारा टोटल आया, ये वाला जो टोटल है ये मैंने यहाँ पे दिखाया 1,150। इसके आगे मैं कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ कि तब हम लेस करते कि भाई हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है पुराना 1,000 का, तो जो पुराना 1,000 का प्रोविजन है वो यूटिलाइज हो जाता हमारा, और अब जो इस साल के लिए लॉस होता वो केवल 150 रुपये होता, और यहाँ पे जब हमारा आता तो 1,150 ना करके केवल 150 रुपये आता। इसमें से लेस कर देते, यहाँ पे दिखाते जे ऐड हो गया, यहाँ से मैंने शुरू किया था मान लो ये यहाँ तक था, और उसके बाद लेस कर दिया ओल्ड प्रोविजन, तो एक लाइन और ऐड हो जाती। पहली बात, एक केस ये हो सकता था, जब था नहीं पुराना तब तो हमने कर ही रखा था। अब एक और भी केसेस में होता है कभी कभी कि हो सकता है पुराना प्रोविजन और ज्यादा हो हमारा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल लॉस हो रहा है 1,150 हो रहा है, इसके लिए मैं इनको पहले यहां से मिटा देता हूं ताकि वो फ्रेश तरीके से हमको सही कैलकुलेशन उसकी दिख जाए। मान लो हमें पता चला कि हमारा जो पिछला प्रोविजन तो वो तो और भी ज्यादा हमारी संस्था ने कर रखा था, पिछले प्रोविजन में हमारी संस्था ने टोटल कुल 1,500 रुपये का प्रोविजन बना रखा था पिछले सालों में, तो पिछले साल के प्रॉफिट के हमने 1,500 रुपये बचाए हुए थे। अब अगर पिछले साल के हमने 1,500 बचाए हुए थे तो हम क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि भी पिछले 1,500 बचे हुए हैं और इस साल का लॉस हमारा हो रहा है इनसे मिलाकर के 1,150, तो इसका मतलब 1,150 जो लॉस है ये तो पिछले में से ही कवर हो जाएगा, तो इस साल के P&L अकाउंट में तो कुछ यहाँ पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लॉस कोई खर्चा नहीं देखेगा इस साल। जो पिछला 1,500 वो भी अभी बचा हुआ है, और वो कितना बचा हुआ है, 0, 10 से 5, 5 और ये 4, 7, 3, 350 तो पिछला बचा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे 350 का जो पिछला बचा हुआ है। तो देखो पिछले उसने बचा के रख रखे थे अपने पास 1,500 रुपये, उनमें से हमने कहा 1,150 इस बार डूब गए, तो कितने बच गए 350। तो अब कहेंगे कि भी अब तो हम जो नया प्रोविजन डिसाइड कर चुके हैं 150 रहेगा, इसका मतलब पिछले जो 350 है ये बचत है, ये हमने पिछली साल ज्यादा घटा दिए थे, इसको हम फिर से प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो इसको इस साइड पे हम लिखते हैं बाई ओल्ड प्रोविजन, या तो इनको यहां रहने दो, और यहां पे तुम दिखा सकते हो इस तरीके से 1,500 माइनस 1,150, इसके तरीके कई हो सकते हैं, अल्टीमेटली आपको दिखाना होगा इनकम साइड में 350 रुपया। क्लियर? ये जो है दोनों इनका टोटल 4,000 और 400। अच्छा, ये इसकी वजह से यहाँ पे गैप बन रहा है, ये यहाँ पे है, ये कंटिन्यूएशन में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे खाली ध्यान दें कि तब हम क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, अभी तो मैंने बीच में अड़ा दिया है, यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रेश, क्योंकि ये उसका टुकड़ा है ऊपर वाले का। हम लिखते हैं बाई ओल्ड प्रोविजन, और बाई ओल्ड प्रोविजन में हम लिखते 1,500 माइनस डेबिट साइड से आगे 1,150, और ध्यान रखें वो 1,150 इधर ऐड नहीं होंगे डेबिट साइड में, अब वो यहाँ के घटेंगे और 350 इनकम साइड में हमें दिखेगा। पहली बात। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से हम अगर हम पहले से रफ में ये जान लेते हैं तो इन सबको हम हो सकता है इनमें से अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई तरीका अपना ले सारे तरीके सही हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक भी आइटम इनमें से दिखता ही नहीं। हाँ, प्रोविजन को अलग रहने दें, फिर से मैं कह रहा हूँ प्रोविजन को इसके साथ रिलेट नहीं करें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को ये अपना यहाँ बना रहेगा। बाकी जो है तीनों ये चीजें हमने जो ऐड की 1,150, इनको हम ऐसा कर सकते थे कि इधर क्रेडिट साइड में लिखते बाई प्रोविजन, और इसी प्रोविजन में से लेस करते बैड डेट, फिर लेस करते फर्दर बैड डेट, फिर लेस करते न्यू प्रोविजन, तो एक ही बात थी। तो ये कैसा भी आप कर सकते हैं, ये केवल रफ वर्क है। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में पुराने प्रोविजन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो समाप्त हो जाता है, जो नया ट्रीटमेंट है उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये देख लें। बैलेंस शीट में जो डेटर थे हमारे 3600, क्योंकि पुराना प्रोविजन पहले से 400 अलग था तो उसका कुछ नहीं किया, 3600 में से फर्दर जो बैड डेट थे वो घटाए 600 रुपये,
150 जो प्रोविजन फॉर बैड डेट था, न्यू प्रोविजन वो घटाया जाएगा, ओल्ड का कुछ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी जो डिस्कार्ड हो चुका है हमारा, खत्म हो चुका है, उसका तो बैलेंस बचा नहीं, याद रखें केवल बैलेंस ही लिखे जाते हैं। इसके बाद 285 ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो हमने बनाया 285 ये यहाँ पे घटाया जाएगा, और इसलिए जब ये सारी चीजें हम लेस कर देंगे तो हमारे जो नेट डेटर हैं वो ये यहाँ पे दिख जाएंगे।